हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल मैथ में आप सभी का स्वागत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले मिले आपको नई अपडेट। नमस्कार साथियों, BSF RO और RM की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का आज का अपना टॉपिक है नाभिकीय रसायन। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्लास में अपन आज का टॉपिक ले रहे हैं नाभिकीय रसायन। तो नाभिकीय रसायन किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणु के नाभिक संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, यानी नाभिकों में जो परिवर्तन होता है उससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, नाभिक के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं तो उसके बारे में अगर अपने को अध्ययन किया जाता है तो वो कौन सी शाखा में करेंगे? रासायन विज्ञान की, नाभिकीय रसायन में। तो रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणु के नाभिकों के संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन नाभिकीय रसायन कहते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये जो टॉपिक है नाभिकीय रसायन या और कोई सा टॉपिक हो, तो जो भी टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, इस टॉपिक में हर एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। यानी आपको सारा का सारा पढ़ना है और उसके बाद में आपको इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद में आप उसको एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपके पूरा मैटर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये मैं कह सकता हूँ आपको 100% गारंटी के साथ कि अगर आप जो मैं मैटर करा रहा हूँ उतना मैटर ही कर लोगे ना सही ढंग से, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखते हैं। तो न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन बोला जाता है। न्यूक्लियन की संख्या को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। उसके बाद में आगे है अपना न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड का मतलब क्या होता है कि ऐसे परमाणु जिनके अध्ययन में केवल नाभिक पर ही विचार किया जाता है, उनके बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नहीं। यानी न्यूक्लाइड में अपन न्यूक्लियन पर ही अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का, यानी ऐसे परमाणु जिनके अध्ययन में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही अध्ययन किया जाता है, यानी नाभिक पर ही विचार करते हैं। और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लाइड बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन नहीं किया जाता। तो ऐसे परमाणु जिनके अध्ययन में केवल नाभिकों पर ही विचार किया जाता है, उनके बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नहीं किया जाता है, उससे अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लाइड बोलेंगे। आगे न्यूक्लाइड के कुछ प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला है समस्थानिक। तो समस्थानिक का मतलब क्या होता है? तो समस्थानिक वे तत्व, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार अलग अलग होता है। तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होगा? अलग अलग होगा, उसे अपन क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो समस्थानिक किसे कहेंगे? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। तो सीधी परिभाषा भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। और सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व क्या कौन सा है? पोलोनियम है। यानी सबसे ज़्यादा समस्थानिक तत्व कौन से तत्व के हैं? वो तत्व है पोलोनियम। एग्जाम्पल के लिए अपन देखें कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, यानी इसमें परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी, उसे अपन क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। पहला समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, तीनों याद रखने अपने को नाम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम जो होता है उसमें प्रोटॉन कितना होता है? 1 प्रोटॉन होता है। ड्यूटीरियम जो होता है उसमें 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम जो होता है उसमें 1 प्रोटॉन होता है और 2 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनकी परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक तो 1-1 हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 1+1 कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं अपन? द्रव्यमान संख्या। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1+2 यानी कितनी हो जाएगी? 3। तो प्रोटियम में द्रव्यमान संख्या 1 होती है, ड्यूटेरियम की 2 होती है और ट्राइटियम की कितनी होती है? 3 होती है। उसके बाद में इनकी प्रकृति की बात करें तो ये जो प्रोटियम होता है वो नॉन रेडियोएक्टिव तत्व होता है। ड्यूटेरियम भी क्या होता है? नॉन रेडियोएक्टिव होता है। और ट्राइटियम क्या होता है? रेडियोएक्टिव। ये रेडियोएक्टिव क्या होता है अपन अभी चर्चा करेंगे इस पर भी। तो अपने को एक बार ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में द्रव्यमान संख्या 1 होती है, ड्यूटेरियम की 2 होती है और ट्राइटियम की कितनी होती है? 3। और अपने को यह भी पूछ लिया जाए कि ट्राइटियम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और प्रोटियम में सिर्फ 1 क्या होता है?
प्रोटोन ही होता है, प्रोटियम का मतलब प्रोटोन हो गया, ठीक है। तो और इनकी प्रवृत्ति की बात करें तो प्रोटियम जो होता है वो नॉन रेडियो एक्टिव होता है, ड्यूटेरियम भी नॉन रेडियो एक्टिव होता है, और ट्राइटियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अगला है अपना समभारिक। समभारिक उसका उल्टा हो जाएगा, समभारिक में क्या होगा, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाएंगे और द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, समान। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी, उसे अपन क्या बोलेंगे, समभारिक, यानी समान भार होगा, यानी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, बराबर होगी। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है प्रोटोनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, समभारिक। उदाहरण के लिए अपन देखें ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन में देखो इसमें प्रोटोन प्रोटोन ये कितने नंबर पे आता है, ऑर्गन 18 नंबर पे आता है, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना है यहाँ पे, 40 हो गया। ऐसे ही पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे, यानी इसका परमाणु क्रमांक तो 19 है लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है इसमें, 40 है। तो यानी परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गया, जैसे ऑर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है इनकी, 40 है दोनों की। ऐसे कैल्शियम है, कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, यानी परमाणु क्रमांक इसका 20 होता है लेकिन इसकी भी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40 है। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या समान हो उसे अपन क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है अपने को कि ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, और वो कितनी है यहाँ पे, 40 है। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन में प्रोटॉन जो होते हैं वो 18 होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं 22। तो कुल मिला के इनका द्रव्यमान कितना हो गया, 40 हो गया। ऐसे पोटेशियम जो होता है उसमें प्रोटॉन तो 19 होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 21। तो इनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 40, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। कैल्शियम जो होता है उसमें प्रोटॉन 20 होते हैं और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 20। तो इसका मतलब इनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 40। तो समभारिक में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी। अगला है अपना समन्यूट्रोनिक। समन्यूट्रोनिक से कहते हैं तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों व प्रोटोनों की संख्या तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, समन्यूट्रोनिक। यानी इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटोनों की संख्या ही क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन उन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर। तो उन तत्वों को क्या बोलेंगे अपन, समन्यूट्रोनिक तत्व बोलेंगे। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम दोनों क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक तत्व कहलाते हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान। तो सोडियम 11 नंबर पे आता है तो इसका परमाणु क्रमांक 11 हो गया और मैग्नीशियम का क्या हो गया, 12। इसमें इसका द्रव्यमान 23 होता है और मैग्नीशियम का द्रव्यमान होता है 24। तो परमाणु क्रमांक दोनों का 11 नंबर और 12 नंबर, द्रव्यमान संख्या दोनों की सोडियम की 23 है और मैग्नीशियम की कितनी होती है, 24। अब इनकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक की क्या होती है, बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ पे, 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 11, और प्रोटॉन भी कितने होंगे इसमें, 11। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अपन निकाल सकते हैं कैसे, इलेक्ट्रॉनों द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान संख्या वो क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होती है। तो अपने को द्रव्यमान संख्या का पता है और प्रोटॉनों की संख्या का पता है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, यानी 23 माइनस 11 कर लेंगे तो 12 बचेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन भी 12, तो इसके न्यूट्रॉन भी कितने बचेंगे, 12, यानी 24 माइनस 12 कर लेंगे तो कितना आ गया इनका, 12। तो जिन तत्वों के न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, समन्यूट्रॉनिक तत्व बोलते हैं। तो अपने को ध्यान में रखना है, सीधा यहाँ से भी किया जा सकता है क्वेश्चन कि उस तत्वों का नाम बताइए जिनकी जिनका परमाणु क्रमांक 11 है, द्रव्यमान संख्या 23 है, तो वो कौन सा हो जाएगा अपना, सोडियम हो जाएगा। या फिर यहाँ से ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 23 है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या 11-11 है, तो बताइए उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अपन निकाल सकते हैं, अगर अपने को पता है कि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है, तो वहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अपने किया जा सकता है, अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे देखते हैं, अगला है अपना कि उसके बाद में है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय शल्यन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो बाहरी नाभिक होता है, बाहरी नाभिक
टूट करके दो हल्के नाभिकों में बदल जाते हैं, यानी दो हल्के नाभिक बनते हैं। एक भारी नाभिक होता है जिसे दो हल्के नाभिक बनेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो ऐसी नाभिकीय अभिक्रियाएं जिसमें भारी नाभिक टूट कर या विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में बदल जाता है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि न्यूट्रॉन के जो कण होते हैं, न्यूट्रॉन के कणों की यूरेनियम के कणों पर बौछार की जाती है जिससे दो हल्के नाभिक बेरियम तथा क्रिप्टोन बन जाते हैं, तथा साथ में तीन न्यूट्रॉन भी प्राप्त होते हैं और साथ में क्या निकलती है, इससे ऊर्जा भी निकलती है। तो वह रासायनिक वह नाभिक अभिक्रिया जिसमें बाहरी नाभिक यूरेनियम पर न्यूट्रॉन के कणों के बौछार कराने पर वह बेरियम तथा क्रिप्टोन दो हल्के नाभिकों में बदल जाता है तथा साथ में तीन न्यूट्रॉन भी प्राप्त होते हैं और साथ में क्या निकलती हो, ऊर्जा, उसे अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपने को ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का ये जो है अभिक्रिया ये याद रखनी अच्छे से। सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है तो इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की यूरेनियम पर क्या कराई जाती है, बौछार कराई जाती है जिससे बेरियम तथा क्रिप्टॉन प्राप्त होते हैं और साथ में तीन न्यूट्रॉन ऊर्जा निकलती है। उसके बाद में अर्थात इसमें यदि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराएं तो दो हल्के नाभिक बेरियम तथा क्रिप्टॉन में विखंडित होकर तीन न्यूट्रॉन व ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद में इस पे जैसे परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, परमाणु बम। आगे देखते हैं हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे ये उसका उल्टा हो जाएगा, विखंडन में तो बड़ा नाभिक होता है एक, वो छोटे भाग में बदल जाता है। इसमें दो छोटे नाभिक होते हैं और वो जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, यानी उसका उल्टा होता है सेम। तो इसमें छोटे छोटे नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के भारी नाभिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम जो होता है संयुक्त होकर हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इसकी नाभिकीय अभिक्रिया होती है जो कि अपने को याद रखनी है। यानी इसमें ड्यूटेरियम हो गया, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, अपन जानते हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो होता है, ड्यूटेरियम 1s2 और 1s3 जो है वो दोनों संयुक्त होकर के क्या बना लेते हैं, हीलियम बना लेते हैं, यानी 2h4 बना लेते हैं और साथ में न्यूट्रॉन एक और ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें छोटे नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं। और वो छोटे नाभिक होते कौन से हैं, एक तो ड्यूटेरियम होता है और एक होता है ट्राइटियम, ये मिलकर करके हीलियम बना लेते हैं और साथ में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद में ये जो अभिक्रिया होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अपने को उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए 10^8 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है लगभग। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है और वो ताप कितना होता है, 10^8 केल्विन ताप। हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम कौन से अभिक्रिया पर आधारित है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, यानी इसी सिद्धांत पर आधारित है ये। और परमाणु बम जो होता है वो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित, और हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे। उसके बाद में सूर्य सितारों तथा हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो अपने से पूछ लिया जाए कि सूर्य से ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। और ये अपने को अभिक्रिया याद रखनी है कि इसमें ट्राइटियम तथा ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम जो है वो संयुक्त होकर के हीलियम बना लेते हैं, यानी भारी नाभिक बना लेते हैं दो हल्के नाभिक जुड़ करके, तो वो एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बन। रेडियो एक्टिवता, यानी रेडियो एक्टिव से कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कौन से होते हैं, तो वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित होते रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और सारणी में 70 से 70 के बाद में जो परमाणु क्रमांक 70 के बाद वाले जो तत्व होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तो वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित यानी अपने आप विघटित होते रहते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। तो अपने आप जो विघटित होंगे तत्व वही क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। तो इनसे निकलने वाली किरणें क्या कहलाती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं, तथा यह जो इनका गुण होता है रेडियो एक्टिव तत्वों का वो क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिवता कहलाता है। और सबसे पहले रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी, हेनरी बेकुरल के द्वारा। तो अपने से पूछ लिया जाए कि रेडियो एक्टिव किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी हेनरी बेकुरल के द्वारा। तो रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, जो अपने आप विघटित होते रहते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व।
उसके बाद में रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव किरणों पर प्रयोग किया था। रेडियो एक्टिव किरणों पर प्रयोग किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था प्रयोग किया, तो उससे उसने क्या बताया, उसका प्रयोग में प्रयोग कर बताया कि रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो विकटित होकर के तीन प्रकार के किरणें निकलते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व अगर विकटित होंगे तो उनसे कितने प्रकार के किरणें निकलेंगी? तीन प्रकार की किरणें निकलेंगी, और उन तीनों किरणों का नाम क्या दिया उसने? एल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। अब इन तीनों पे अपन अलग अलग इस पे क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, एल्फा किरण पे, बीटा किरण पे और गामा किरण पे, वो अपन डिटेल में इसकी इन तीनों किरणों की अपन आपस में तुलना करेंगे। तो देखते हैं आगे। अब अगर इनके गुणों का अध्ययन करें कि एल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, तो सबसे पहले इनकी प्रतीक की बात कर लेते हैं। तो एल्फा किरणों का जो प्रतीक होता है वो होता है 2HE4, बीटा किरणों का बीटा से लिखते हैं और गामा किरणों को किससे लिखते हैं? गामा से। उसके बाद में इनकी प्रकृति की बात करें तो जो एल्फा किरणें होते हैं वो द्विधनावेशित हीलियम आयन होते हैं। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एल्फा किरणें होती हैं तो एल्फा किरणें क्या होती हैं? द्विधनावेशित हीलियम आयन होते हैं। एल्फा किरणें द्विधनावेशित हीलियम आयन होते हैं। बीटा किरणें क्या होती हैं? ऋणावेशित किरणें होते हैं। और गामा किरणें की प्रकृति क्या होती है? चुंबकीय तरंग होती हैं। तो चुंबकीय तरंग की प्रकृति गामा किरणों की होती है। बीटा किरणें जो होती हैं वो ऋणावेशित होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करती हैं। और ये क्या होता है? द्विधनावेशित हीलियम आयन होता है एल्फा किरणें। उसके बाद में द्रव्यमान की बात करें तो एल्फा किरणों का द्रव्यमान इन तीनों किरणों से क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो अपने से एग्जाम में पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान कौन सी किरणों का होता है, तो वो कौन सी किरणें हैं? एल्फा किरणें। एल्फा किरणों का सबसे ज़्यादा होता है, फिर इनका कम होता जाता है, और गामा किरणों का एकदम से ही शून्य होता है। वेग की बात करें तो सर्वाधिक वेग से गमन करने वाली किरणें कौन सी होती है? सर्वाधिक वेग से गामा किरणें गमन कर सकती है, तो सबसे ज़्यादा वेग किसका होता है? गामा किरणों का। उसके बाद में सबसे कम की बात करें तो वो कौन सी होंगी? एल्फा किरणें। तो यहाँ से इस टेबल में से आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो आप आराम से कर सकते हैं, तीनों का आप अध्ययन कर सकते हैं, तीनों का तुलनात्मक रूप से देखें अपन यहाँ पे। तो वेग की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो होती है एल्फा किरणों में गतिज ऊर्जा होती है, बीटा किरणों में भी गतिज ऊर्जा होती है, तो एल्फा किरणों की सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा कौन सी किरणों में होती है? एल्फा किरणों में। तो उच्च गतिज ऊर्जा होती है इसमें, निम्न गतिज ऊर्जा होती है, और इसमें ऊर्जा निकलती है अत्यधिक ऊर्जा गामा किरणों में होती है। उसके बाद में आगे बात करें विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में प्रभाव, यानी विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये किरणें किस प्रकार से बिहेव करती हैं? तो ये जो होती हैं एल्फा किरणें ये धनावेशित होती हैं, तो ये ऋणावेश की ओर आकर्षित होती हैं। बीटा किरणें जो होती हैं वो ऋणावेशित होती हैं, तो इसका मतलब ये धनावेश की ओर आकर्षित करती हैं। और गामा किरणें जो होती हैं वो क्या रहती हैं? विद्युत क्षेत्र में अप्रभावित रहती हैं। तो गामा किरणें विद्युत क्षेत्र में अप्रभावित रहते हैं, और बीटा जो किरणें होती हैं वो धनावेश की ओर आकर्षित होती हैं, और गामा किरणें एल्फा जो किरणें होती हैं वो ऋणावेश की ओर आकर्षित होती हैं। उसके बाद में अगला है अपना भेदन शक्ति, यानी कोई भी वस्तु उसको अगर भेद करके जाए, यानी उसको पार करके चली जाए, तो वो सबसे ज़्यादा कम शक्ति किसकी होती है? एल्फा किरणों की, और सबसे ज़्यादा शक्ति किसकी होती है? गामा किरणों की। तो भेदन शक्ति सर्वाधिक कौन सी किरणों की? गामा किरणों की। सबसे कम कौन सी किरणों की? एल्फा किरणों की। तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है। आयनीकरण की शक्ति, तो आयनीकरण सबसे ज़्यादा एल्फा किरणों का होता है, और सबसे कम किसका होता है? गामा किरणों का। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा अपने को ध्यान में रखना है। तो इन तीनों का, एल्फा, बीटा और गामा के ये जो गुण थे वो अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस टेबल में से बन के आएगा, तो आप अच्छे से याद कर लेना ये टेबल। उसके बाद में अगला है अपना अर्धवायुकाल। अर्धवायुकाल का मतलब क्या होता है? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा की विघटन में लगा समय, यानी आधा कब विघटित हो जाता है, कितने टाइम वो आधा विघटित हो जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल ये दो तीन तत्व हैं, इनके आपको याद रखने हैं। पोलोनियम जो होता है, यानी जिसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो उसका कितना होता है अर्धवायुकाल? 3 मिनट का होता है। रेडियम का 1620 वर्ष होता है। यूरेनियम का कितना होता है? 456 करोड़ वर्ष होता है। तो ये अर्धवायुकाल हो गया, यानी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा के विघटन में जो समय लगता है उसे अपन क्या बोलते हैं? अर्धायुकाल। इन तत्वों का अर्धायुकाल याद रखना है अपने को। पोलोनियम का 3 मिनट का होता है, रेडियम का 1620 वर्ष होता है, और यूरेनियम का कितना होता है? 456 करोड़ वर्ष। उसके बाद में है रेडियो एक्टिव समस्थानिक और उनका उपयोग। कोबाल्ट 60 जो होता है उसका उपयोग आजकल कैंसर उपचार में किया जाता है। पूछ ले जाते हैं एग्जाम में कि कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर उपचार में।
आयोडीन 131 का यूज़ कहाँ होता है, गल ग्रंथि में होता है। कोबाल्ट 58 का प्रयोग कहाँ होता है, विटामिन B12 का अध्ययन करने में कोबाल्ट 58 का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम 51 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रक्त की जांच जो की जाती है उसमें क्रोमियम 51।